अब देखे ना, होली गुजरे हुए जमाना हो गया, जो रंग लगा था वो रंग भी उतर गया और उनको होली खेलने का होश अब आ रहा है। फिसल गया मयंक। कहा तो सोचा था कि नुपुर के साथ कमर लचका लचका कर पूरी महफिल में छा जाएंगे, और कहा तो डांस शुरू करते ही फिसल गए। और जैसे ही मयंक के पैर में मोच आई, नुपुर को फट से पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। वो झट से ऐसे झुकी जैसे उन्हें ही चोट लगी हो। हमें पता है नुपुर, प्यार में ऐसा ही होता है, चोट प्रेमी को लगती है और दर्द प्रेमिका को होता है। लेकिन जब हमने यही बात नुपुर से पूछी तो सुनिए उनका क्या कहना था। नुपुर, इन्होंने नई फिल्म साइन की है, पुष्पक 2। खामोशी खामोशी। हाँ, तभी तो ये चुप है। ये जोक था, आप सीरियसली ले रही है? अरे नुपुर तो शर्मा गई। लेकिन ये क्या, अभी तो मयंक को चोट लगी थी और अभी वो मस्करी करते दिख रहे हैं। यही नहीं, देखिए तो सही वो अपनी चोट लगने की कहानी कैसे सबको बढ़ा चढ़ा कर सुना रहे हैं। भाई चोट लगने की कहानी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये रंग, ये गुलाल, माजरा क्या है? होली बीते तो कई दिन हो गए हैं, फिर स्टार बन के सीरियल मिले जब हम तुम के सारे कलाकार रंग गुलाल में क्यों नजर आ रहे हैं? इट्स ग्रेट। अभी वैसे तो हम लोग होली काफी टाइम बाद बना रहे हैं, अभी सबसे लास्ट आई थिंक हम ही बना रहे होंगे, तो बट वी रियली एंजॉयिंग, कलर्स हैं और इट्स गुड। ओहो, तो ये बात है। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि सम्राट गुंजन, मयंक, नुपुर बस अभी अभी नींद से जागे हैं, क्योंकि अब उन्हें प्यार का एहसास जो होने लगा है। सम्राट और गुंजन में तो दोस्ती भी हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वाह, क्या बात है, होली के मौके पर आखिरकार आपके दिल मिल ही गए, चलिए अच्छा है। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई आज तक। बालिका वधू में होने जा रही एक नई एंट्री, और वो भी दादी साकी बहन की। और पता है ये किरदार कौन निभा रहा है? फरीदा जलाल। वैसे दादी सा और फरीदा जलाल की जोड़ी को आप पहले भी फिल्मी पर्दे पर देख चुके होंगे। सुनाई ना आपको एक अच्छी खबर? तो ऐसी अच्छी अच्छी खबरें आपको हम सुनाते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सास बहू और बेटियां।